आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। इसके साथ ही सरकार पुलिस कर्मियों की मांग को पूरा कर रही है और प्रदेश में पुलिस प्रशासन एक अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बता दें कि इस दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घाटों की सुरक्षा, साफ सफाई और मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 16 लाख दिए जलेंगे। इसके लिए दीपक राम की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भव दीपोत्सव को आकर्षण का केंद्र बन रही उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग की झांकियां 5 और सूचना विभाग की 11 झांकियों को निकाली जाएगी। यह झांकियां रामायण कालीन प्रसंगों और नारी शक्ति को अग्रसर होने की प्रेरणा पर आधारित होगी। मैं ये कहूँगा कि हमें प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आ रहे हैं पहली बार जब से प्रधानमंत्री बने हैं। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमसे जुड़ेंगे। राघवेंद्र, अयोध्या नगरी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बिल्कुल मयूरी, बता दें जिस तरीके एक बार फिर त्रेता युग की तरीके भगवान राम के वन से वापसी आने के बाद जिस तरीके त्रेता युग में अयोध्या सज धज कर तैयार हुई थी, वही एक बार फिर से ये प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है। और खास बात तो ये रहेगी कि दीपोत्सव के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे अयोध्या में, और अयोध्या में आ करके और सबसे पहला दीपक जो है वो रामलला के गर्भगृह में जलाएंगे और उसी के बाद से दीपोत्सव का आगाज होगा अयोध्या में। अगर बात की जाएगी राम की पैड़ी की, तो राम की पैड़ी पर जो है वो 17 लाख दीपक पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद आज 5,000 वॉलंटियर्स जो है उन दीपों को घाटों पर बिछाएंगे, जो की घाटों की संख्या 36 घाट है यहाँ पर। और 16x16 के जो दीपक की लंबाई और चौड़ाई होगी वो 16x16 की होगी, जो कि उसी साथ सज्जा में दीपक जलाए जाएंगे। जी मयूरी, मोदी पहुंचेंगे अयोध्या नगरी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए बात की जाएगी यहाँ से तैयारियों की, तो जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के, तो SPG कमांडो जो है वो कल ही यहाँ पर डेरा डाल चुके हैं, और PSC है और पैरामिलिट्री फोर्स है, तो सिविलियन पुलिस है, और उसके बाद जो है वो लखनऊ हाईवे को बंद किया जाएगा और गोंडा को बंद किया जाएगा, तो जगह जगह बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के खासा इंतजाम किए जाएंगे। धन्यवाद राघवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। रामनगरी अयोध्या में छठे दीपोत्सव के शुभ अवसर पर पीएम मोदी के आगमन और दीपोत्सव की तैयारियों की कवायद तेज हो गई है। इस बार दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी काम तेजी से चल रहा है। विभाग की झांकियां हैं और उधर सूचना विभाग की बन रही हैं। पर्यटन विभाग की 5 झांकियां हैं और सूचना विभाग की 11 हैं टोटल। अच्छा, ये जो पर्यटन रामायण के कई कालखंड दिखाए गए हैं, बालकांड, आरण्य काल
और रावण वध, ये सारे चीज़ें दिखाई गई हैं जी। ये RTO ग्राउंड से और रामकथा पार्क तक जाएंगी। लगभग तैयारियां कंप्लीट हैं, 80% काम हो चुका है। इसमें पर्यटन विभाग ने 5 नई झांकियां, उच्च स्तरीय झांकियां बनाई हैं। ये झांकियां जो है पर्यटन विभाग अपनी तरफ से जोड़ेगा और 11 झांकियां सूचना विभाग तैयार कर रहा है। तो इन झांकियों को जो है हम लोग तैयार करवा रहे हैं। वो झांकियां जो है एनिमेशन पर तैयार करेंगे, जैसे कि भगवान राम तीर मार रहे हैं तो लक्ष्मण रावण को तीर लगते हुए देखेगी। लक्ष्मण जी जैसे संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, तो वो सीन एनिमेशन होके दिखेगी। अलीगढ़ की तहसील इगलास के कस्बे के बालाजी टेंडर्स में SDM व खास सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम के छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों को कई मिलावटी सामान मिले, जिन्हें सीज करते हुए दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही अधिकारियों ने दुकानदारों को मानक के खिलाफ जांच कर सामान बेचने और जेल भेजने की बात कही। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर दिवाली पर्व के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी इगलास महोदया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में सरसों का तेल, जो कि प्रथम दृष्टया टेम्परिंग किया हुआ और अपमिश्रित प्रतीत होता है, इसका सैंपल भी लिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से इसको सीज भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बेसन में प्रथम दृष्टया कीड़े को देखते हुए लगभग 70 किलो बेसन नष्ट कराया गया है और निरीक्षण किए जा रहे हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खबर गाजीपुर शहर से है, जहां फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी लेने वाले एक सहायक अध्यापक एवं एक शिक्षा मित्र को जांच कमेटी ने पकड़ लिया। उनके दस्तावेजों समेत अन्य सूचनाएं प्रारंभिक तौर पर गलत निकली। इसके साथ ही जांच अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए समिति ने खंड शिक्षा अधिकारी को मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए निर्देशित किया। वहीं इन शिक्षकों के वेतन की रिकवरी भी कराई जाएगी। देखिए, शासन के द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति, जिसमें अध्यक्ष ADM अफार साहब एवं एडिशनल SP साहब और मैं, 3 सदस्यीय समिति है, जिसके अंतर्गत फर्जी शिक्षकों के विषय में अपनी जांच के करा करके ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध जांच अगर सही पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनकी बर्खास्तगी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में दो हमारे यहाँ शिक्षक, इनफैक्ट एक सहायक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र की बर्खास्तगी आज समिति के द्वारा की गई, निर्देशित किया गया है। कासगंज के कस्बा गंज डुंडवारा में SP BBGTS मूर्ति निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से कानून व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संवाद किया। इसके साथ ही त्योहारों को सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए भी कहा। वहीं इस मौके पर CO RK तिवारी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहे। रायबरेली में बछरावा थाना क्षेत्र के सराय उमर में भू माफियाओं के जबरन जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़िता ने इस मामले को लेकर उप जिला अधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं महिला ने आरोपियों पर जाति सूचक गालियां और जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप लगाया है। आज कहाँ पे आई है? आज हम यहीं आए मैडम से मिलने, SDM मैडम से मिलने तहसील आए हुए। अच्छा, क्या हो गया आपके? भैया, हमारे यहाँ एक थोड़ी बंजर जमीन है जिसमें हमारे पूर्वजों से कब्जा चला आ रहा है, उसी में हम गुजर बसर करते हैं। और उसको क्या कर रहे हैं, हमारे गांव के एक बहादुर सिंह है, वो दबंगई राजनीतिक बल के कारण जबरन उसमें कब्जा कर रहे हैं। दो ट्रक गिट्टी और मोरंग गिरवा दिए हैं। वंश बहादुर सिंह, प्रद्युम्न सिंह और देवेंद्र प्रताप, विवेक सिंह और वो धर्मेंद्र सिंह और संतोष सिंह, साधना सिंह, ये सभी लोग आज मिल के भैया पुलिस के सामने 112 नंबर पुलिस वाइन पे खड़ी हुई थी, उसी के सामने जो है मारपीट के लिए बोले लाते बिछा देंगे। और वो बेचारे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से हमारे लोगों की जान बचाई तो हम लोग बच पाए।
खबर हरदोई से है, जहां पर कोतवाली देहात के गोंधाई मजरा नया गांव मुबारकपुर में कुछ गांव वालों ने एक महिला को बुरी तरह से पीट रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जैसे तैसे महिला को गांव वालों से बचाया और उसे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाने लगी। इसी बीच गाँव वाले महिला कांस्टेबल सीमा के साथ बदतमीजी करने लगे। उनकी इस हरकत पर कांस्टेबल शिव प्रसाद ने ऐतराज किया तो गाँव वालों ने उन पर भी हमला कर दिया। किसी तरह से वहां मौजूद सिपाहियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस बात की सूचना जैसे ही सीओ सिटी को हुई तो अस्पताल पहुंचकर हाल जाना और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। शाम लगभग वही 7:30 बजे के आसपास गोदाई गांव में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी। दोनों पक्ष द्वारा 100 डायल को सूचना दी गई। दोनों पक्ष के सूचना पर इवेंट पर 27:14 और 27:30 दोनों गाड़ियां आगे पीछे पहुंची। उसमें जो मजरूह पक्ष था, एक महिला घायल थी, उसको PRP के जवान ले आ रहे थे और ले आने के बाद गांव के कुछ लोग और महिला मिलकर के इनका कहना है कि इनके साथ बदतमीजी किए, हाथापाई किए। गोंडा जिले में माधवपुर दुबहा मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फरुखाबाद में इटावा बरेली राष्ट्रीय मार्ग पर गड्ढे बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे ट्रक में टकरा गई, जिससे उसमें बैठे रेलवे गेट मैन सहित दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में आसपास के लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पर पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे का कारण है रोड पे गड्ढा। ये यहाँ पे बजरंग होटल के पास एक रोड पे गड्ढा है और ये ना तो सरकार बैठती है, ना यहाँ के विधायक सांसद, कोई नहीं। अब इतने लोग खड़े हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ये डरते हैं कहीं केस लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, 4 लोग इस गाड़ी में सवार थे। अब आगे एक मेरे हिसाब से 2 तो ले गए हैं, ठीक है, और 2 मेरे हिसाब से ख़त्म हो गए हैं, 2 की हालत गंभीर है। ये करीब अब से करीब आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक होंडा सिटी जो कार जो मसैनी की तरफ से आ रही थी और वो अपनी साइड छोड़कर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक के अंदर गाड़ी घुस गई, जिसमें जो कार में 4 व्यक्ति सवार थे वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही सूचना हमारे कंट्रोल को मिली और 112 के द्वारा तुरंत हमारे जो कंसर्न जो थाना उसको बताया गया और विद इन 10 मिनट्स के अंदर पुलिस ने यहाँ पहुँचकर उन 4 घायलों को ना कि एम्बुलेंस उनके साथ अपनी जो थाने की गाड़ी है उसमें भी उनको ले जाकर जो जिला अस्पताल लोहिया वहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया और वहाँ से उनको आगे जो हायर सेंटर वहाँ रेफर। प्रयागराज में धूमनगंज के ग्लोबल हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की बजाय मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। बता दें कि गलत प्लेटलेट्स चढ़ाने की वजह से मरीज को दिक्कत हुई तो उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर मरीज की 2 दिन बाद मौत हो गई। वहीं इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की प्राथमिक जाँच की गई और जाँच पूरी होने पर अस्पताल को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। चढ़ाने के संदर्भ में हुआ था कि कुछ प्लेटलेट चढ़ाई गई, उसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ी और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में CMO ने ये
जांच करवाई, जांच में कुछ कमियां पाई गई जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। तब तक सील किया गया है जब तक कि इनके जो अभिलेख हैं या जांच चल रही है उसके बाद। मामला ये है कि प्रदीप पांडे नाम का पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ था डेंगू का केस में, और पेशेंट की जब प्लेटलेट की डाउन हुआ 17,000 हुआ तो हमारे यहाँ डॉक्टरों के द्वारा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको एडवाइज किया गया, और पेशेंट के अटेंडेंट को प्लेटलेट के लिए पर्चा और सैंपल जो हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ब्लड लाने के लिए, प्लेटलेट लाने के लिए, वो दिया गया। उनके अटेंडेंट SRN ब्लड बैंक से अपना प्लेटलेट और ब्लड के अरेंजमेंट के लिए गए और अपना प्लेटलेट जो है शाम को जो है अरेंज करके 5 यूनिट लेके आए। अब वो प्लेटलेट 3 यूनिट चढ़ाने के बाद जो पेशेंट को जो है रिएक्शन हुआ तो हम लोगों ने प्लेटलेट जो है बंद करवा दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, एक गंभीर मामला सामने आया है जहां प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाया गया मरीज को, जिसकी अब मौत भी हो चुकी है, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल नंदनी, यह संगम नगरी प्रयागराज का मामला है और यह धूमनगंज थाना क्षेत्र के कमला ग्लोबल हॉस्पिटल का मामला है। हालांकि ये वीडियो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो डेंगू का मरीज था जिसकी मौत हुई है उसको प्लेटलेट की जगह मौसमी का जूस चढ़ाया गया है, लेकिन ये जो वीडियो है बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और इस वीडियो का उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिज पाठक ने मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने आला अधिकारियों को इसके जांच का आदेश दिए। हालांकि फौरी तौर पर जब तक अस्पताल की जांच हो रही है तब तक के लिए अस्पताल को सीज कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही गंभीर विषय है कि इस तरीके से, खासकर से तब जब संगम नगरी प्रयागराज में लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसे में मरीज को अगर प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाया जा रहा है और मरीज की मौत हो जा रही है तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है और इस पे जो जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आला अधिकारी इस पे पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जो मरीज है उसको वाकई में मौसमी का जूस चढ़ाया गया था या प्लेटलेट है, लेकिन अभी भी जांच चल रही है। जी जी नंदिनी। पवन, इस पूरे मामले पर अस्पताल का क्या कुछ कहना है? हालांकि अस्पताल ने इस पे जो है अपनी सफाई पेश की। अस्पताल का कहना है कि यह जो मौसमी का जूस या जो प्लेटलेट का पैकेट है वो प्रयागराज के सरकारी अस्पताल जिसको SRN अस्पताल के नाम से जाना जाता है वहां से पैकेट आया है और उसी अस्पताल के मोहर की और रसीद जो है वो भी उस पे लगी है उसी पैकेट पर। तो अस्पताल के जो मालिक है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इसके जांच के अधिकारी नहीं है कि ये प्लेटलेट है या मौसमी का जूस है, इसलिए अस्पताल ने अपना पल्ला झाड़ा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर एक डॉक्टर है तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि हम मरीज को प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं या मौसमी का जूस। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे संगम नगरी प्रयागराज में इंसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी चंद पैसों के खातिर। क्योंकि जो अभी तक वीडियो सामने आया है उसमें देखा गया है कि मौसमी का जूस जो है वो पैकेट में मिला है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर विषय है। और इस समय जो है जब लगातार डेंगू के मरीज प्रयागराज में सामने आ रहे हैं तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं एक बड़ा सवाल को खड़ा करती है कि आखिर ये जो चिकित्सा विभाग है इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है। जी नंदिनी। जी पवन, इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं, तो आगे आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? हालांकि देखिए आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि अभी इस पे क्या कार्रवाई गई है, लेकिन डिप्टी सीएमओ ने ये जरूर वहां पे कल अपनी टीम के साथ जाके कमला ग्लोबल हॉस्पिटल को सीज किया है। उनका कहना है कि प्रारंभिक जांच की जा रही है और जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक अस्पताल को सीज किया गया है। और इस पूरे मामले का उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने पूरे मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने देर शाम को ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जी नंदिनी। जी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।